वो उनके घर वालों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए जो के जख्मी हैं और जो जो इस दुनिया से चले गए, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। दूसरी चीज, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुआ और मुझे इस चीज का इल्म है कि मेरी कौम एक सदमे से गुजर रही है, क्योंकि हम सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंशाल्लाह इस बार ही हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो मैं दो तीन चीजें अपनी पूरी बात करने से पहले मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली कि हार जीत होती है। टीम जो मैं अपनी टीम को कहता था कि आखिरी गेंद तक लड़ो, पूरी कोशिश करो, लेकिन जब एक रिजल्ट आ जाता है और इंसान ने पूरी कोशिश की होती है तो फिर ये इंसान कहता है कि जी अल्लाह की मर्जी है। और ये हमेशा मेरा इसी में सोच थी कि हम बड़ी टीम ने जान मारी और खास तौर पे जिस तरह वो आखिरी गेंद तक कोशिश करते रहे, लेकिन जो इंसान के हाथ में नहीं है, वो शाहीन अफरीदी को वो इंजरी हो गई, तो ये इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। और बदकिस्मती से उस टाइम पे हुई जबकि उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट मरहला था और वो फर्क पड़ सकता था। मैं नहीं कहता जीत सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे थी कि गेम चेंज हो सकती थी। तो वो खैर, हम सारी कौम मुबारक दे पाकिस्तान टीम को जिस तरह वो फाइनल में पहुंची है। मैं खास तौर पे आज कहना चाहता हूं कि जो हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक है, आज मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने देखा, बड़ी देर के बाद क्रिकेट देखी, दुनिया में बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है। हम दुआ करते हैं कि शाहीन अफरीदी जल्दी से पूरी तरह फिट हो, लेकिन बेहतरीन अटैक है। हमारे पास बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और मेरे ख्याल में ये दुनिया का सारे बैट्समैन को पीछे छोड़ जाएगा, माशाल्लाह जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है। और भी बड़ी अच्छी हमारी टीम में प्रॉमिसिंग हैं, तो इंशाल्लाह हमें इसमें से मायूस तो हम हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम माशाल्लाह वो टीम है पाकिस्तान जो कि दुनिया की अब टॉप टीम में गिनी जाती है। अब मैं आ जाता हूं जो हमारी अब मार्च हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मार्च जा रही है। आहिस्ता तो मार्च ने जाना ही था जब एक हमला हुआ वजीराबाद में और सबके सामने एक मुझे मारने का जो पूरी साजिश थी, तो उसकी वजह से जो हुआ वो तो मार्च ने आहिस्ता होना ही था। और मैं ये मार्च का पहले आप सारी कौम को बता भी दूं कि ये क्यों है, कि इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जिस तरह पता नहीं क्या हम मुल्क पे जुल्म कर रहे हैं। अपनी कौम को याद कराना चाहता हूं कि मेरे 3.5 साल में 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, बल्कि एक चौथी हुई थी जो कि रास्ते में रुक गई थी, 4 हुई थी लॉन्ग मार्चेस। तो क्या वो गैर जमहूरी चीज थी? पूरी उन्होंने कोशिश की गवर्नमेंट गिराने की, मकसद चारों का एक ही था, एनआरओ लेना, यानी मैं इमरान खान को इतना ब्लैकमेल करें कि वो इनके करप्शन केसेस खत्म कर दें। तो ये जो लॉन्ग मार्च है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान कोई अपने करप्शन केसेस नहीं खत्म करवाने के लिए कर रहा, यह मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम अपना जमहूरी हक, पुरमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, हम इसको इस्तेमाल करते हुए हम इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। मैं सारी अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि 7 महीने से मैं कह रहा हूं कि जो एक ये रिजीम चेंज साजिश हुई, जो हैंडलर्स ने और ये साजिशों ने मिलकर हुकूमत गिराई हमारी, मैं ये तब से कहता जा रहा हूं कि इनसे ना संभाली जानी थी, क्योंकि इनका माजी 30 साल से तो ये दो खानदान मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर इन्होंने कुछ करना था तो 30 साल पहले कर लेते। इनके दौर में तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, उससे पहले हम इन सबसे आगे थे 90 की दिहाई तक। तो इन्होंने अगर कुछ करना होता तो कर चुके होते हैं। तो इनको जब जिन्होंने भी लेके आया और हैंडलर्स ने बैठाया हमारे ऊपर, मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने मायशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि जो मायशत छोड़ के गए थे वो तो पाकिस्तान को दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में,
तो अब इन्होंने कैसे ठीक करनी थी? जो एक मुल्क के मायशत को तबाह कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं कर सकते, जो मुल्क के इदारे तबाह करें, दुनिया की तारीख में वो जो दुनिया जो इदारे तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। तो मैं तो तब से कहता जा रहा था कि हमने इतनी मुश्किलों से 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी वो 17 साल के बाद बेहतरीन चल रही थी, जो हमारी दौलत में मुल्क के इजाफा हो रहा था, ये तो लिखा हुआ है, ये किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लें कि ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की मायशत ऊपर जा रही थी। सबसे बड़ी बात, और आज फैसलाबाद में लोग देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे असल में मुल्क की दौलत में भी इजाफा होता है और रोजगार भी मिलता है, वो तो शायद 50 साल में सबसे तेजी से 26% पर बढ़ रही थी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आज गिर के सफर पर पहुंच गई है। तो जब वो मुल्क तरक्की कर रहा था और इन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई, तो हमें तो पता था क्या होना है। जो हैंडलर्स बैठे हुए थे हम उनको भी कहते रहे, ये समझ जाओ कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हां गलती होगी हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए ये मार्च है, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, जिधर हर जो मायशत का हर शोबा है वो नीचे चला गया है, टैक्स कलेक्शन वो नीचे चली गई है, एक्सपोर्ट्स वो नीचे चली गई है, बैरून मुल्क पाकिस्तान जो रेमिटेंसेस भेजते थे, और खारियां वो शहर है जिधर सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते थे, जो रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान चल रहा था और हमारी दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, वो नीचे जानी शुरू हो गई है। नीचे जानी शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब हम पैसा किधर से लेके आएंगे कर्जों की किस्तें वापस करने पर। देखें, जब एक मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो वो अपने कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, क्योंकि कर्जे तो वहीं के वहीं हैं, सूद उनके ऊपर लग रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस हुकूमत ने आके 3 महीने में वो कर्जा लिया है जो हमने 9 महीने में लिया था, उस 3 महीने में उससे ज्यादा कर्जा लिया जो 9 महीने में हमने लिया था। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस करने हैं वो कम होती जा रही है, तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं ये कोई आज मायशत का एक्सपर्ट हो, जो सियासत का एक्सपर्ट हो, जो वैसे कोई दानिशवार हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक मुझे आदमी बता दे पाकिस्तान में जो आज ये समझता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर हम इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मुझे एक आदमी बता दे। और मसला फंसा किधर हुआ है? मसला फंसा हुआ है लंदन में। लंदन में क्या मसला फंसा हुआ है कि जो लंदन में मफरूर, जो सुप्रीम कोर्ट की JIT के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजायाफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है, और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने, वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरह धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसका सारा पैसा बाहर पड़ा है, यानी जो पैसा पाकिस्तान में वो कुछ नहीं, जो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जो हुदैबा पेपर मिल के अंदर जो इनके मुंशी और ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है, इसने 164 का बयान दिया हुआ है अदालत में जाके कि मैं नवाज शरीफ का चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाता था। वो काजी फैमिली जिधर लंदन में बैठी थी इल्फर्ड में, उनके बैंक अकाउंट्स दिखाए हुए हैं इसने कि किन बैंकों में पैसा भेजता था, चोरी का पैसा। ये आज से 20 साल पहले की बात है, 22 साल पहले की, 25 अप्रैल
25 अप्रैल 2000 के अंदर इसने ये 164 का बयान लिखवाया हुआ है। सारा बयान पढ़ लें आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं ये पैनामा पेपर्स के अंदर इंकशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं चार महंगे महंगे लंदन के इलाके में। उधर बैठ के चोरी के पैसे के फ्लैट्स पे एक मफरूर और इसके साथ वो लोग जो सारे कोई ना कोई मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, इसहाक डार के बेटे बाहर भागे हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ का बेटा वो सलमान शहबाज बाहर भागा हुआ है, उसका दामाद बाहर भागा हुआ है और शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है क्योंकि इसने गलती क्या की। मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसने बरतानी अखबार ने लिखा डेली मेल ने कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हरजाना कर दिया। उसने बजाय डरने के वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये तो जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया, दो दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। तो ये बैठ के जो कि अब लंदन के अंदर उसने डेली मेल में बकायदा बताया कि इसने इन्होंने किस किस तरह की करप्शन किया है, ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है फिर मेरिट आती है, इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सके, जिनको मुंह बंद करवा सके। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं, मेरिट पर ही लोग आते हैं। जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे, वो लोग बैठाते हैं। अब ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है लंदन में बैठ के, और यह फैसला कर रहा है कि क्योंकि इलेक्शन हम जीत नहीं सकते लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना, बाढ़ में जाए पाकिस्तान, मुल्क की मायशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए इनको कोई फर्क नहीं है क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है, पैसे इसके लंदन में है, जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ईसीएल पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो, मुझे क्यों नहीं ईसीएल पे डाल, क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ईसीएल में डालो। इनके लिए अजाब हो जाता है, शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करनी है, ईदें उधर बनानी है और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ, देखें मुल्क समझ जाएं। ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है, इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है। अगर हमने इन लोगों को सही आईनी तौर तरीका ना सिखाया एहतजाज का, ये श्रीलंका की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि नौजवान तो अब समझ बैठा है, सोशल मीडिया पे नौजवान आ गया है। जितना मर्जी आप मीडिया को बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है और उनमें शऊर आ चुका है और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान से। शुक्र करें कि हम लॉन्ग मार्च और आइन के बीच में रहते हुए हम अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरमन इत्तेजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए, 7 महीने से बार बार अवाम आपको बता रही है सारी कौम को कि अवाम ने ये जो चोरों को हमारे ऊपर मुसलत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाय इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है, मार्च में जब पब्लिक निकली वो बता रही है। समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं लॉन्ग मार्च में, देख लें पब्लिक निकल रही है।
तो पब्लिक तो बता रही है कि हम ये जो आपने समझा हमें भेड़ बकरियों की तरह, ये भेड़ बकरी शऊर वाले लोग हैं और ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी तो, और मैं जब इंशाल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम आप देखेगी, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी। इतनी कभी पब्लिक नजर नहीं आएगी इस मुल्क की तारीख में जो आने वाली है पिंडी। और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, हमें भेड़ बकरियां ना समझो, हम इन चोरों को नहीं तस्लीम करते, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम फैसला करना चाहते हैं कि इस मुल्क की क्यादत कौन करेगा, कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत। हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते, कौम कह बैठी और ये कहेगी जाके इंशाल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे। और मैं दो और बातें करना चाहता हूं, जब से ये आए हैं पहले तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा इमरान खान ने बिल्कुल पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया, इन्होंने बार बार कहा कि इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया। ये सात महीने से बैठे हुए हैं, मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुल्क का फायदा करवाया हो, मुझे एक चीज बता दें। हमने मैंने बड़ा रोका हुआ था, बैरूनी दौरे मैंने बड़े देख के करता था, मैं किसी बैरूनी दौरे पर नहीं जाता था जब तक मेरे मुल्क को फायदा ना हो। मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, साढ़े तीन साल में दो दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि उन दौरों से मेरे मुल्क को फायदा नहीं है, मैं नहीं गया। मैं नवाज शरीफ 24 दफा निजी दौरे किए इसने प्राइम मिनिस्टर होते हुए बर्तानिया के, जरदारी 50 दफा निजी प्राइवेट दौरे किए इसने दुबई के, मैंने तो कोई नहीं किया। और मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सात महीने में इनकी कैबिनेट, इनके पार्लियामेंटेरियंस ने तीन गुना ज्यादा दौरे किए जो हमने साढ़े तीन साल में नहीं किया। पैसा इन्होंने खर्च किया, महंगे महंगे होटलों में ये ठहरे, ये अभी चाइना गया तो 777 बोइंग वो लेके चला गया, जिस तरह पाकिस्तान में तेल की नहरें बह रही हैं। क्या इन्होंने अचीव किया? कोई मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ इससे, बताएं कि कोई हमारे रिलेशनशिप बेहतर हुई। बल्कि मैं आज आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का वकार दुनिया में नीचे गया। हमारे दौर में हमने इस्लामोफोबिया, जो दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम है, हमने उठाई थी, पाकिस्तान ने उठाई थी यूनाइटेड नेशंस में, OIC के अंदर, दुनिया एक्नॉलेज करती थी मुसलमान दुनिया के पाकिस्तान एक खड़ा हुआ उसके लिए। हमने मेरा सारा जो हमारी बाकी मुल्क से ताल्लुकात थे वो ये नहीं कि मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहता था, मैं खुददार पॉलिसी चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जिससे जो पाकिस्तानियों के मफादात के लिए हो, मैं कोई किसी के सामने कोई झुक झुक के और पैर पकड़ के, मैं वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता, मैं खुददार फॉरेन पॉलिसी चाहता। हम अमरीका से चाहते हैं वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं लेकिन बड़ी खुददारी है उनके अंदर, वो अपने लोगों के मुफादात के लिए खड़े होते हैं। हमें वो बताया, जिस तरह माजी में वॉर ऑन टेरर में मैं किसी की गुलामी कभी नहीं कबूल कर सकता, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी को अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें दुनिया में आइसोलेट किया, तो तुमने जूते पॉलिश करके क्या किया अब तक? बताएं, आपने लोगों के जूते पॉलिश किए हैं, सबके सामने गिर जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं हाथ बांध के कि जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं, कितने पैसे आ गए हैं, कितना फायदा हो गया पाकिस्तान को। और फिर फॉरेन पॉलिसी के अलावा मुझे यह बताएं कि आज जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, मैं इन सबसे आज पूछता हूं, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, क्या किसी के पास रास्ता है कि जो हमारा मुल्क माशी तौर पे नीचे जा रहा है, किसी के पास कोई रास्ता है? इन सारों कैबिनेट से पूछ ले इनके लोगों से कि किसी के पास कोई रास्ता है कि ये जो तेजी से नीचे जा रहा है हमारा मुल्क, इसको बचा सकता है? हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, 88% बिजनेसमैन ने कहा है कि हमें पाकिस्तान गलत रास्ते पर जा रहा है, यानी बिजनेस कम्युनिटी का उनका कोई उनके एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर। यही फैसलाबाद था,
जब हम आए थे 2018 में फैसलाबाद के, आज अगर लोग देख रहे हो तो फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अपनी मशीनें बेच रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे ये आज से 7-8 महीने पहले फैसलाबाद के लोगों से पूछे, मुझे जो जो टेक्सटाइल के कारखाने के जो मालिक थे, मुझे कहते हैं हमें मजदूर नहीं मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्सटाइल की सेल्स हुई है पाकिस्तान की, तारीख के रिकॉर्ड टूट गए थे। और फिर से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 26% पे बढ़ रही थी, और आज वो जरा फैसलाबाद से पूछेंगे लोगों का क्या हालात है, आज मजदूरों से पूछेंगे रोजगार कितना मिल रहा है, आज लोगों से पूछ, तो कौन सी क्यामत आ गई 7 महीने में कि सारा कुछ नीचे चला गया। महंगाई पाकिस्तान की 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। तेल तो आज सस्ता है, हमारे दौर में तो महंगाई तेल की वजह से थी, बैरूने मुल्क में तेल की कीमत ऊपर गई, तो आज महंगाई की क्या वजह है, हमारे दौर से तो ज्यादा सस्ता है आज तेल। हर चीज जो महंगी हुई है कौन है इसका जिम्मेदार? और सवाल मेरा यह है कि अब ये क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई इस मुल्क के अंदर, जो कि रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, वो भी लोग पीछे हट गए हैं। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस एतमाद ही नहीं है, इन्वेस्ट क्यों करें, और क्यों इन्वेस्ट करें, किसी को पता ही नहीं हुकूमत कितनी देर चलेगी। और वो पूछे कि जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें पैसा भेजते थे वो कम होनी शुरू हो गई है, तो एक तरफ कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम हो रही है, तो सारों से मैं पूछता हूं इसका क्या हल है? इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आज इसलिए ये मार्च वालों को कह रहा हूं कि ये आप ये जो जिहाद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सियासी तौर पर इस्तकाम आएगा, सियासी इस्तकाम आएगा तो माशी इस्तकाम आएगा, और तब ये मुल्क की जो मायशत है वो उठ सकती है। और जितनी देर ये खींचते जा रहे हैं इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो लंदन में बैठा हुआ मुजरिम है वो डरा हुआ इलेक्शन से, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को दांव पे लगा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। और ये वक्त है कि हम सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि इसमें शिरकत करें। देखिए इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। और मैं आखिर में अपनी अदलिया से पूछना चाहता हूं कि सारी कौम आज आपकी तरफ देख रही है। मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। अभी सारी कौम ने यही देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा शहबाज शरीफ, अदालत ने कहा पेश हो, 8 दिसंबर को कहा कि आगे अदालत में पेश हो, इसलिए वो मुल्क आगे निकल जाते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां इसी शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी, वो जो FIA का केस था मकसूद चपड़ासी वाला 16 अरब का, इसको सजा होने वाली थी, वहां से भी बच गया, सारे गवाह भी मारे गए, 4 गवाह मारे गए, 1 इन्वेस्टिगेटर मारा गया, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर अब हम देख रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद शरीफ का, कि देखिए अरशद शरीफ लोगों के दिलों में बैठ गया जाके, क्योंकि सारी कौम को पता है कि उसको पूरी तरह उसके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की गई। सारी कौम ने देखा कि वो अपने मौके पे खड़ा रहा, वो बार बार सच, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसका काम है राय हक पे खड़ा होना, वो अपने मौके पे खड़ा रहा, और बार बार धमकियां मिलती गईं। सारी सहाफी बरादरी को पता है कि उसकी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो खड़ा रहा, आखिर में मुल्क से बाहर गया, और जो उसको कत्ल किया गया मुल्क से बाहर, सारी कौम को तो इतमाद ही अब किसी के ऊपर नहीं रह गया, इस गवर्नमेंट के ऊपर इतमाद रहेगा जिसको वो बेनकाब कर रहा था, या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो वो बात तनकीद कर रहा था, वो तो नहीं इंसाफ दे सकते। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपको अरशद शरीफ को इंसाफ देना पड़ेगा, आपको आजम स्वाति को इंसाफ देना पड़ेगा। जो आजम स्वाति से हुआ, एक तो इस
उस उम्र के आदमी को नंगा करके तशद्दुद करना, उसको उसके पोते और पोतियों के सामने मारना, और उसके बाद जो वीडियो निकाली और उसकी बीवी को जो तहज्जुद गुजार, ये इसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर एक सेनेटर को उससे इतना जुल्म हो और इंसाफ ना मिल सके, तो इस सारे अवाम तो पहले ही समझती है कि इस ताकतवर के लिए कानून और दूसरे के लिए कमजोर के लिए दूसरा, तो ये इंतहा हो जाएगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब हमारी अदालतें अपने आप को एक असर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे पार्टी बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं FIR नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हां जो मैंने तीन नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है, लेकिन मैं FIR नहीं लिखवा सकता। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब उनकी हैसियत ही कोई नहीं है आम लोगों की। ये जो बेचारे आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग टेलीफोन खींच रहे हैं, लोग तंग हैं इससे कि चोरियां बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुल्क नीचे जा रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 7 सालों में दुगनी हो गई है महंगाई, हमें कहते थे ज्यादा महंगाई है। तो जब महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो आम आदमी जब चोरी करे तो वो जेल में, और जो सबसे ताकतवर डाकू जो अरबों रुपया चोरी करके बाहर लेके जाते हैं वो NRO ले लें। ये कौम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, केस लगा हुआ है मेरा अदालत के अंदर कि ये जो NRO उन्होंने लिया है नैब अमेंडमेंट्स के तहत, ये तो दुनिया में कहीं कुछ सोच नहीं सकता कि आप अपने कानून पास करें और खुद ही अपने आप को बचा लें उससे। तो इसलिए आखिर में मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अवाम के साथ खड़ी हो। ये जो ताकतवर इस मुल्क में कानून के ऊपर है, आप इनको कानून के नीचे लेके आए और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।